दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आजकल वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का काम बड़े जोरों से चल रहा है। आपके पास भी आपके क्षेत्र के बीएलओ भी इस काम में लगे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने क्षेत्र के बीएलओ को दे दिए हैं तो अच्छी बात है। यदि आप किसी कारण उनको दे नहीं पाए हैं या आपका वोटर आईडी कार्ड जिस स्टेट से बिलोंग करता है आप वहां से अलग रह रहे हैं और आपको अपना आधार अपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं उसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं और खुद अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। क्रोम में हम ओपन कर लेंगे nvsp.in अपने ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप चलाते हैं क्रोम ज़्यादा सूटेबल होता है। और ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम, हम यहाँ से अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करेंगे। हम इस वाली लिंक से हम अपने वोटर लिस्ट जो होती है हमारी वोटर लिस्ट में नाम वो चेक कर सकते हैं। फॉर्म में अगर हमारे फॉर्म वोटर आईडी में कुछ करेक्शन है उस करेक्शन करने के लिए यहाँ पे या न्यू अप्लाई करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने अप्लाई किया है ऑनलाइन और उसके रेफरेंस नंबर से हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ इसमें पूरे एरिया की हम वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं और नो ओ योर में जाके हम अपने क्षेत्र के बीएलओ के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल वेरिफिकेशन करना है, अपना आधार लिंक करना है, तो हम इस वाले लिंक को ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम रजिस्टर कर लेंगे खुद को, रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे हम, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कैप्चा भर लेंगे 08729। अब हम यहाँ पे 08729 सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल कर लिया हमने 493820, वेरीफाई कर देंगे हम यहाँ पे। वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर डालना है एपिक नंबर पे, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड बनाने हैं हमें, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डाल लेता हूँ वेरिफिकेशन करने के लिए। वोटर आईडी डाल दिया, अब यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल दी। और यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अब हम इसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ये लिखा होगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब ऑटोमेटिक ये दोबारा हमें लॉगिन पेज पे ले आया। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के हम इसको लॉगिन कर लेंगे अपने इस पोर्टल को। मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर, एपिक नंबर, ईमेल आईडी किसी से भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब हमारा वही पोर्टल फिर से आ गया। अब फिर हम ये इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम में आएंगे और इसको ओपन करेंगे, ये वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स, ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे नाम आ गया किसके नाम से वोटर आईडी कार्ड है और डिटेल आ गई, एज वगैरह सारा कुछ आ गया। अब ये लास्ट में लिखा हुआ है वेरीफाई माय डिटेल्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए पूरी वेरिफिकेशन, ये फ़ोटोज़ वगैरह सब आ गई है। अब मैं ये इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड एबो इज करेक्ट, इसको मैं चेक कर दूँगा। और उसके बाद ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मैं अपना आधार कार्ड लिंक कर दूँगा यहाँ पर। आधार कार्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दूँगा 2658 स्टार 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 और थ्री टाइप स्टार, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालूँगा
चूज फाइल से जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेरा आधार कार्ड स्कैन जहाँ भी होगा, ठीक है। मान लो मैं इसी को स्कैन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वेरीफाई इसको करना नहीं है, ठीक है। स्कैन करने के चूज़ करके जो हमारे सिस्टम में जो भी हमारा आधार होगा स्कैन किया हुआ, यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। हमारा जो भी वोटर आईडी कार्ड है जिसको हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं उससे हमारा आधार लिंक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।